योगी सरकार पेश करेगी अपना चौथा बजट। अब तक सबसे बड़ा बजट पेश करेगी यूपी सरकार। करीब 5.5 लाख रुपयों का होगा बजट। कई नई योजनाएं शुरू करने पर होगा जोर। बजट में हर वर्ग का रखा जाएगा ख्याल। युवाओं और रोजगार पर होगा फोकस। उद्योग को बढ़ावा देने का भी रखा जाएगा ध्यान। उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार अपना चौथा बजट पेश करने जा रही है। इस बार के बजट को ऐतिहासिक बताया जा रहा है क्योंकि सरकार इस बार सबसे बड़ा बजट पेश करने जा रही है। करीब 5.5 लाख करोड़ रुपए का यह बजट हो सकता है। यूपी के इतिहास में अब तक का सबसे बड़ा बजट होगा। वित्त मंत्री सुरेश खन्ना बजट पेश करेंगे। बजट में सरकार युवाओं और रोजगार पर फोकस कर सकती है। यूपी सरकार के इस बजट में हाई स्कूल इंटर और ग्रेजुएट छात्रों के लिए इंटर्नशिप योजना का ऐलान भी हो सकता है। बेरोजगारी पर मचे बवाल के बीच इस योजना के तहत 6 महीने से 1 साल तक युवाओं को 2500 रुपये प्रतिमाह नगद दिए जाएंगे, जिसके बाद प्लेसमेंट दिलाने का प्लान है। इसके अलावा सूबे को 10 नए मेडिकल कॉलेज के साथ ही गोरखपुर में आयुष विश्वविद्यालय, नोएडा में पुलिस फॉरेंसिक विश्वविद्यालय और राष्ट्रीय कौशल विकास विश्वविद्यालय की घोषणा भी हो सकती है। सरकार इस बजट में खाली पदों पर भर्ती की घोषणा भी कर सकती है। इसके अलावा गोवंश संरक्षण केंद्र, बुंदेलखंड और उसके आसपास के 7 जिलों के लिए विशेष पाइप जल योजना, अयोध्या समेत यूपी के 6 शहरों के लिए एयरपोर्ट के लिए बड़े बजट का ऐलान हो सकता है। आगरा, कानपुर, मेरठ, वाराणसी और गोरखपुर में रैपिड रेल का काम आगे बढ़ने पर बात, निर्यात प्रोत्साहन और ODOP योजना पर फोकस हो सकता है। भारतीय जनता पार्टी हमेशा यही बात कहती है कि बड़ा बजट है, लोगों के लिए बजट है। ये योगी सरकार का चौथा बजट है। 3 बजट कहीं दिखाई नहीं दे रहे हैं जमीन पे। न किसान को राहत है, न रोजगार है, न बिजली उत्पादन पे कोई काम हुआ, सड़कों पे गड्ढे हैं, अस्पतालों में दवाई है नहीं है, स्कूलों में पढ़ाई का इंतजाम नहीं है। तो आखिर वो बजट कहाँ गया? वो 3 साल का जब बजट नहीं दिखा तो ये बजट भी नहीं दिखेगा। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने उत्तर प्रदेश के 3 वर्ष बर्बाद किए हैं। 3 वर्ष में भारतीय जनता पार्टी की सरकार में कुछ नया दिखाई नहीं पड़ा है, कुछ नई कार्ययोजना नहीं बनी है। तो आने वाले बजट से अभी तक कोई उम्मीद नहीं है। आज या पीछे के सदनों में जो विपक्ष हंगामा करता है, कांग्रेस पार्टी जो मांग करती है, उत्तर प्रदेश के 23 करोड़ जनता के हितों की बात करती है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी इतनी अहंकार में है कि विपक्ष की आवाज़ को सुनना नहीं चाहती। योगी जी की सरकार जिस दिन से आई है तो मोदी जी का वो नारा कि सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास उन्होंने चरितार्थ किया है और इस बजट में भी उसकी झलक देखने को मिलेगी। समाज के सभी वर्गों का इसमें ध्यान रखा जाएगा और कल आप इसको सराहेंगे भी कि जो वास्तव में लोग जो सोचा करते थे उसको जमीन पे उतारने की पूरी कोशिश की गई। हम आपको दिखा रहे हैं उम्मीदें आम से लेकर खास सबको है इस बजट से और ये कहा जा रहा है कि सबसे बड़ा बजट हो सकता है। करीब 5.5 लाख करोड़ रुपए का यह बजट हो सकता है। वित्त मंत्री सुरेश खन्ना बजट पेश करेंगे। नरेंद्र यादव जुड़ रहे हैं हमारे साथ, हमारे सहयोगी लखनऊ से। नरेंद्र, बजट का इंतजार सभी को है, क्या कुछ खास, कितना मजबूत और कितना बड़ा ये बजट होने वाला है? देखिए, बिल्कुल पूरे प्रदेश को उत्तर प्रदेश के इस बजट का इंतजार है। विपक्षी जहां लगातार सरकार पर हमलावर हैं और बजट से उनको कोई उम्मीद की बात नजर नहीं आ रही, लगातार विपक्ष हमला कर रहा है और दावा कर रहा है, वहीं प्रदेश सरकार लगातार इसको एक अच्छा बजट बनाने की तैयारियां कर रही थी क्योंकि योगी सरकार का ये चौथा बजट है जिसको लेकर प्रदेश सरकार की जनता से जो सरकार ने वादे किए थे और जो तमाम बड़ी परियोजनाएं योगी सरकार ने शुरू की थी उनको बजट आवंटित करना है, चाहे वो पूर्वांचल का एक्सप्रेस वे हो, चाहे बुंदेलखंड का एक्सप्रेस वे हो और कई सारी नहरों की बड़ी परियोजनाएं हैं उस पर बजट दिया जाएगा। वहीं जिस तरीके से सरकार
तमाम मेडिकल कॉलेजों को और विश्वविद्यालयों को फोकस की है, उस पर भी बजट एक बड़ा ही जारी होगा। और कई ऐसे शहर हैं जैसे मथुरा, वृंदावन, अयोध्या और नैमी सारण जैसे धार्मिक स्थल हैं, यहाँ पर भी फोकस रहेगा सरकार। साथ ही जो सबसे बड़ा मुद्दा था बेरोजगारी का, इसको लेकर लगातार सरकार पर हमले हो रहे हैं, विपक्ष लगातार हमलावर है, वहीं तमाम आंदोलन भी हुए हैं, इसको लेकर भी सरकार कुछ ना कुछ करेगी। क्योंकि वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने दावा किया है कि हर आम खास का इसमें ध्यान रखा गया है और बहुत ही अच्छा बजट बनाया गया है। इससे उम्मीद की जा सकती है कि बेरोजगारों के लिए भी सरकार कुछ ना कुछ करेगी। वहीं अगर किसानों की बात की जाए तो किसानों को लेकर भी घोषणा हो सकती है, उनका बजट बढ़ाया जा सकता है। गन्ना भुगतान की बात की जा रही थी, हमेशा विपक्ष गन्ना भुगतान को लेकर सरकार को घेरता रहा। और कीमतों की बात की जाए कि किसानों की जो फसलें होती हैं, धान, गेहूं, अनाज जो सरकार खरीदती है, उसके लिए भी बजट बढ़ाया जा सकता है, उसकी भंडारण की क्षमता बढ़ाई जा सकती है, इससे भी फोकस हो सकता। वहीं शिक्षा के क्षेत्र में भी अमूलचूल परिवर्तन की बात सरकार कर रही है, तो शिक्षा का बजट भी प्रदेश सरकार जरूर बढ़ाएगी, क्योंकि तमाम परियोजनाएं सरकार चला रही है बच्चों के लिए, पढ़ाई के लिए, उच्च शिक्षा के लिए, तकनीकी शिक्षा के लिए, और चाहे चिकित्सा के क्षेत्र में शिक्षा की बात हो तो उसके लिए नरेंद्र जी एक बड़े जी। एक और महत्वपूर्ण सवाल ये है कि विपक्ष कह रहा है कि चौथा बजट हम इसे कह रहे हैं, लेकिन पिछला जो तीन बजट सरकार ने पेश किया वो सड़क पर, धरातल पर कहीं दिखाई नहीं दे रहा, जमीन पर कहीं दिखाई नहीं दे रहा है। क्योंकि रोजगार को लेकर बात पिछले बजट में भी हुई थी, भारी भरकम बजट शिक्षा में भी था, स्वास्थ्य महकमे को भी दिया गया, और जमीनी सच्चाई क्या है? विपक्ष के इन आरोपों में कितनी सच्चाई है, या फिर विरोध करने के लिए विरोध हो रहा है? देखिए, विपक्ष तो हमेशा हमलावर रहता है, जो सत्ता में रहता है उसका विरोध किया जाता है, लेकिन अगर धरातल पर परियोजनाओं की उतरने की बात की जाए तो जो योजनाएं योगी सरकार ने शुरू की है, बड़ी परियोजनाएं, उनको वक्त लगेगा, टाइम लगेगा, हालांकि उनकी शुरुआत हो चुकी है, लेकिन विपक्ष ये चाहता है कि तुरंत का तुरंत सरकार अपना काम करके दिखाए, अपने काम गिनाए। तो कोई भी सरकार तीन साल में बहुत बड़ा काम नहीं गिना सकती है, उसके लिए तैयारियां करनी पड़ती है। जैसे वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट की बात की जाए तो इसके लिए बड़े बजट का प्रावधान सरकार ने किया है, उसके जरिए लगातार प्रोत्साहन दिया जा रहा है, और कौशल विकास जो केंद्र सरकार की बड़ी योजना है, इस पर काम चल रहा है। तो एक तरीके से देखा जाए तो प्रदेश सरकार ने पैसे जो खर्च किए हैं और जो योजनाएं बनाई हैं वो अपनी गति से चल रही हैं। प्रदेश सरकार का यही दावा है कि वो काम आगे अच्छा करेंगे और वो दिखाई भी पड़ेगा। पूर्वांचल एक्सप्रेस वे को 2020 में चालू करने की बात योगी सरकार कर चुकी है, योगी ने खुद दावा किया था कि एक्सप्रेस वे अप्रैल तक शुरू कर दिया जाएगा। वहीं बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे की बात की जाए तो ये भी, यहाँ भी काम शुरू हो चुका है, लेकिन विपक्ष लगातार हमलावर है। बड़ी समस्या जो उत्तर प्रदेश के लिए है वो बेरोजगारी है, क्योंकि तमाम भर्तियां जो निकली थी, परीक्षाओं का पेपर लीक हो जाने के कारण दोबारा करवानी पड़ी या कोर्ट के चक्कर में उलझी हुई है। तो युवाओं की बात की जाए तो, बेरोजगारों की बात की जाए तो काफी निराश है, वो उम्मीद लगाए बैठे हैं कि सरकार उनके लिए कुछ ना कुछ करेगी, चाहे वो बेरोजगारी भत्ते के रूप में हो, चाहे नौकरियों के सृजन के रूप में हो। तो निश्चित तौर पर युवा और बेरोजगार काफी उम्मीदें पाले बैठे हैं और किसान भी कुछ ना कुछ राहत की सोच रहे हैं। जी, एक और छोटा सा सवाल और छोटा सा जवाब इस पर दीजिएगा नरेंद्र। बुंदेलखंड को लेकर सरकारें हमेशा उत्सुक रहती हैं, योजनाएं बनाती हैं, लेकिन गर्मी का मौसम आने वाला है, बुंदेलखंड में पानी की किल्लत हर साल देखी जाती है, पिछली बार भी कुछ इस तरह से दावे और वादे हुए कि लोगों तक पानी पहुंचेगा, और इस बार के बजट में भी है ऐसा प्रावधान कि कुछ पेयजल योजनाओं के जरिए, पाइपलाइन के जरिए वहां पर पानी पहुंचाया जाएगा, वहां किस तरह की सच्चाई देखने को मिल रही है? देखिए, अगर फौरी तौर पर बात की जाए तो बजट भले ही सरकार जारी कर दे और, लेकिन उसके लिए एक लंबे समय की प्रक्रिया होगी, क्योंकि पूरी उसकी परियोजना बनानी होगी। बुंदेलखंड का अपना अलग ही नेचर है, प्राकृतिक दशाएं अलग हैं, वहाँ वाटर लेवल बहुत नीचे है, वहाँ की जमीन उपजाऊ नहीं है। तो एक तरीके से कहा जाए बीहड़ का एरिया बुंदेलखंड में काफी आता है, और केंद्र सरकार ने कई ऐसे जिलों के ब्लॉक हैं, गाँव हैं, जिनको डार्क जोन घोषित कर दिया है, वहाँ पे बोरिंग नहीं की जा सकती है, और किसान भी वहाँ पे बोरिंग नहीं करवा सकता। तो ऐसे में एक बड़े प्लान की जरूरत है, प्रदेश सरकार इससे हालात। चलिए नरेंद्र, आप इस पर नजर बनाए रखिएगा, कल का इंतजार सबको है, क्योंकि उत्तर प्रदेश का बजट और इस बार का बजट काफी भारी भरकम होने वाला है, उम्मीदें लगाई जा रही हैं, आप नजर बनाए रखिए। बहुत बहुत शुक्रिया नरेंद्र आपका इस जानकारी के लिए।
तो बहुत खास और महत्वपूर्ण होने वाला है उत्तर प्रदेश का बजट। 5.5 लाख करोड़ भारी भरकम बजट होता है। शिक्षा, स्वास्थ्य, पेयजल, तमाम योजनाओं का जिक्र कल एक बार फिर से होगा।